इधर यहाँ पे आपको छोटी वाली पूरी बर्फी दी गई है, इस फिर यहाँ पे प्लेन कपड़ा जीटी लाइन जो होता है कहते हैं ना, जो किया सल्टो उसका जीटी लाइन वाला डिजाइन होता है, वो ये डिजाइन पूरा दिया हुआ है। तो इसमें सेट मैं कृष्ण तिवारी ऑटो इंडिया की तरफ से एक नई वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं आप खुशहाल मंगल होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, पूरी फैमिली स्वस्थ होगी। तो जैसे कि आज पीछे मेरे आप देख रहे हो एडवेंचर मॉडल है, और एडवेंचर मॉडल में आज जो हमने पूरा काम किया है, ये एक्चुअली गाड़ी आज से 10-15 दिन पहले पूरी रेडी हुई थी, कुछ काम भैया का रह गया था, तो आज फिर आए हैं भैया, स्पेशली मथुरा से आए हैं भैया आज कंप्लीट गाड़ी कराने, तो वो सारा काम आज दोबारा कंप्लीट हुआ है। तो आज मेरा मन कर रहा, उस दिन दिखा नहीं पाया था, तो मेरा मन था आज दिखाऊं ये गाड़ी, मैं आपको आज पूरी गाड़ी में दिखाने के लिए आया हूं, क्या क्या काम हुआ ये भी दिखाऊंगा, प्लस क्या क्या काम आप करा सकते भी दिखाऊंगा, इसके साथ साथ आपके पास और इससे एडिशनल क्या क्या काम का ऑप्शन होता है वो भी दिखाऊंगा। चलते हैं आगे गाड़ी की तरफ, वीडियो की चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखो पहले तो एक एडवेंचर मॉडल यहाँ पे लगी है, इससे आपको पहचान हो रहा है एडवेंचर मॉडल, और एक जो बेस मॉडल है जिसमें सारा काम हो रहा है वहाँ पे लगी है, वो वीडियो मैं आपको अलग दिखाऊंगा और ये वीडियो मैं अलग दिखाऊंगा। दोनों में ही बेसिक जितना काम होता है वो सारा काम हुआ है, बेसिक से ज्यादा जो जितना भी एडिशनल काम हुआ वो सारा काम हुआ है, चाहे मैं इनफिनिटी में सिस्टम की बात करूं, चाहे मैं स्पीकर की बात करूं, हर एक चीज़ लगी है। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके सारा काम हुआ है। सबसे पहले तो आप नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे भैया हैं, ये भैया नीचे यहाँ पे बुल गार्ड जो आता है, इसकी जो फिटिंग आती है ये प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, इसमें सेफ्टी प्रॉपर पूरा देखो दोनों गाड़ी में हो रहा है, वहाँ पे दो रखे हुए भी आपको देख पा रहे हो, तो सेफ्टी पर्पस को ध्यान रख के प्लस लगे ना इसको ध्यान रख के प्रॉपर ये बुल गार्ड लगाया जा रहा है। इसके बाद इसमें अभी करंट में जब इसमें लगाया है, यहाँ पे पूरा आप क्रोम सेट देख रहे हो, ये पूरा क्रोम सेट इसमें अभी लगाया है, पूरा सेट जो 7 पीसेस का सेट आता है वो लगाया है। मैं आपको बता भी देता हूँ इसमें क्या क्या होता है, एक टेल लाइट क्रोम होता है, एक नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर क्रोम होता है, एक हैंडल क्रोम होता है, दोनों चारों हैंडल होते हैं, उसके आगे हेडलाइट होता है, नीचे की तरफ फॉग लाइट होता है। तो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये आपको यहाँ पे टेल लाइट क्रोम पूरा फिनिशिंग के साथ प्रॉपर लगाया गया है, और फिनिशिंग के साथ सारा काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखोगे रिफ्लेक्टर क्रोम इसमें लगाया गया है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, इस साइड में अगेन आप देख पा रहे हो रिफ्लेक्टर क्रोम यहाँ पे लगाया गया है, फिर अगेन टेल लाइट क्रोम है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। इसके बाद जो यहाँ पे पीछे की तरफ एक लगा है, एक शानदार लुक बेहतरीन लुक इसमें देता है, वो है इसकी टेल गेट क्रोम की गार्निश जो इसमें लगी है वो इसमें लगाया गया है। और अभी ये गाड़ी काम हुए हुए लगभग 15 दिन हो गया, मुझे अच्छे से याद है 13 फरवरी की गाड़ी आई थी और आज का दिन है 6 मार्च, तो लगभग 15 दिन से भी ज़्यादा हो गया, उसके बाद भी सारी चीज़ें एक्यूरेट है। कहते हैं ना, कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई उस टाइम पे तो आपकी सारी चीज़ सही है, पर हो सकता है बाद में कुछ चीज़ें गलत हो जाए, बाद में आपको समझ में आए कि भाई ये गलत है। तो आज मैं ओनर का रिव्यू आफ्टर 15 डेज बाद काम कराने के, आफ्टर 15 दिन बाद दे रखूँगा कि किस तरीके से भैया का रिव्यू है, हमारा काम कैसा था 15 दिन पहले और आज भैया का काम कैसा है। भैया को दिल्ली चक्कर लगा था तो भैया ने कुछ एडिशनल काम और कराया है, हमारी दोबारा वीडियो देखी भैया ने और एडिशनल कुछ अच्छा लगा तो वो कराया है, बाकी दिखाता हूँ कि उस दिन भी क्या क्या हुआ था। नीचे की तरफ ये गार्निश लगी थी, जो लोअर गार्निश थी हमारी, ये उसी टाइम लगी थी, आज भी आप देख रहे हो प्रॉपर इसमें है, साइड बिडिंग इसको कहते हैं, साइड बिडिंग से जाना जाता है ये, यहाँ पे लोअर गार्निश है, ये लोअर गार्निश लगी थी उस दिन, आप प्रॉपर इसमें देख पा रहे हो जो क्रोम की पूरी पट्टी है। इसके बाद डोर वाइजर इसमें लगे थे, जो क्रोम के डोर वाइजर हैं आप देख पा रहे हो, अनब्रेकेबल होते हैं ये, यहाँ पे 4 पंच की आपको बैचिंग भी मिल जाती है, तो एक बढ़िया लुक में बढ़िया सा मतलब बढ़िया फील आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, भैया हमारे वहाँ पे सामने अजय भी हैं, अजय भी यहाँ पे क्रोम का पूरा अभी जो लगा रहे हैं सारा देख रहे हो, अभी आप लगा रहे हैं, अभी इसके ऊपर नहीं लगाया क्रोम, इसके ऊपर भी लगेगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है इस व्हील कवर के अलावा भी 4-5 क्वालिटी कलर में अलग अलग व्हील कवर लगाना, यहाँ पे अगेन ओरिजिनल टाटा की मड फ्लैप लगे हैं ये देख पा रहे हो आप। इसके बाद यहाँ के बाद आपको ये वाली जो ग्रिल कंपनी ब्लैक देती है, ऑप्शन मिलता है आपको ये व्हाइट क्रोम वाला कराने का, जैसे टॉप मॉडल में आता है वो आप करा सकते हो। इसके बाद इसमें नंबर प्लेट का जो कवर आता है वो भी हमने लगाया था, मुझे अच्छे से याद है। इसके बाद फॉग लाइट इसमें नहीं देती कंपनी, हमने फॉग लाइट लगाई थी और फॉग लाइट के अंदर नाइट आई की LED लगाई थी जिसकी 3 ईयर की वारंटी आती है। हेडलाइट में हमने कोई भी चेंजेस अभी नहीं किया था, आई थिंक शायद आज करा ले भैया। इसके बाद अगर मैं DRL की बात करूँ तो भैया ने इसमें हाफ DRL लगवाई थी, मैं भी इसका रिस्पांस भी दिखाऊंगा और पूरी हाफ DRL आप देखो ऐसा देखने में नहीं पता लग रही, पर जब आप DRL जलाएंगे ना तो पूरा रिस्पांस आपको इसका देखने को मिलेगा, पूरा रिस्पांस आप चेक पार कर पाओगे कि किस फिनिशिंग के साथ प्रॉपर तरीके से पूरा DRL लगा है इसमें। तो यहाँ से इस तरीके से देखो कुछ इस तरीके से देखने में पूरा लुक फिनिश आ रहा है। इसके बाद अगर मैं आगे की तरफ दिखाऊँ, देखो यहाँ पे लग चुका है क्रोम, तो एक बार देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके से पूरा आप देख पा रहे हो, पूरा का पूरा यहाँ पे क्रोम लग चुका है इसमें, तो प्रॉपर तरीके से पूरा फिनिशिंग के साथ पूरा क्रोम यहाँ लग चुका है।
चुका है। यहाँ आप देख पा रहे हो ये जस्ट अभी लग रहा है, तो ये पूरा क्रोम का सेट पूरा लग चुका है। इसकी भी आप एक बार फिनिशिंग देख पा रहे हो अच्छे से, और बढ़िया तरीके से पूरा फिनिशिंग के साथ सारा काम हुआ है। अब अंदर लेके चलता हूँ और अंदर दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। नीचे की तरफ आप देखोगे अंदर यहाँ पे जो विदाउट लाइट पंच की स्किफ प्लेट आती है, जो वेलकम प्लेट आती है, वो इसमें लगी है। इसके कई फायदे हैं और इसमें कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला विदाउट लाइट, दूसरा नंबर पे ब्लू लाइट, तीसरे नंबर पे व्हाइट लाइट, तो चार पांच ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, आपको देखने में काफी अच्छा लगता है, लुक फील इसका बहुत अच्छा आता है। दूसरा फायदा, जब आप अंदर बाहर जाते हो तो यहाँ पे स्क्रैच नहीं लगते, स्क्रैच से आपको ये बचा देता है। कई सारे फायदे हैं, अनगिनत कह सकते हो फायदे हैं। छोटी सी चीज़ है, बहुत कम कॉस्ट पड़ती है, बट अच्छी चीज़ है। इसका नीचे की तरफ मैं दिखाऊँ, देखो भैया ने अभी ये भी नहीं हटाए हैं, तो बिल्कुल नई फील दे रहा है गाड़ी का। 15 दिन तो काम कराए हुए हो गया, उससे पहले 15 दिन पहले भैया गाड़ी लाए थे। नीचे की तरफ भैया ने फ्लोरिंग कराई थी, जो वाटर प्रूफ फ्लोरिंग थी, आप देख पा रहे हो। देखो इस पे ना हल्का हल्का पानी है, जैसे पैर में ना कई बार पानी होता है, या वैसे भी हल्का हल्का पानी इस पे, पर नीचे इसके नहीं गया हुआ है पानी। अब अगर कारपेट होता ना, ये देखो मैं आफ्टर काम रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये नहीं कि सिर्फ काम कर दिया और हो गया, आफ्टर काम आपको सारा रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी है। अब इसके ऊपर आप एक बार गीला कपड़ा, एक बार सूखा कपड़ा मारोगे ना, पूरा क्लीन हो जाएगा। पर अगर आप ये नहीं कराते हैं तो इसके नीचे जो कारपेट होता है, वो कारपेट में फिर पानी पड़ता है, तो वो स्मेल आना शुरू हो जाता है, वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो बेस्ट चीज़ है आप फ्लोरिंग कराइए। उसके ऊपर भी हमने ग्रास वाले ये मैट डलवाए हैं, तो ग्रास वाले मैट प्रॉपर सस्ते पड़ जाते हैं, प्लस सही रहता है, जिससे क्या है मिट्टी वगैरह इसमें जम जाती है। अगर आप कभी झाड़ोगे इसको तो मिट्टी वगैरह आप साफ कर सकते हो। इसके इसमें ग्लोब बॉक्स का लाइट का ऑप्शन मिलता है आपको, भैया ने वो नहीं लगवाया था। एक इसमें आपको एम्बियंट लाइट का ऑप्शन मिलता है, वो भैया ने नहीं लगवाया था। मैंने बताया ना जितना बेसिक काम था वो भैया ने काम कराया, कुछ एडिशनल काम और कराया है। इसके बाद एक सबसे अच्छी चीज़ और हमारी जिसमें सबसे ज़्यादा USP है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे सीट कवर। हमारे सीट कवर में भैया ने यहाँ पे बहुत अच्छा हमने काम किया है। इसमें आप जैसा देख पा रहे हो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी खुद की यूनिट, अपना खुद का प्लांट होने की वजह से भैया ने ये पूरा का पूरा डिज़ाइन हमें दिया था, और वो डिज़ाइन हमने पूरा पूरा लगवाया है इसमें। ऐसे लगभग 25 से 40 डिज़ाइन तो मैं आपको खुद, मेरे पास जो हमेशा रेडी रहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर उसमें से कोई समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ अलग ही, जो आपकी मर्जी होती है, जो आपका चॉइस होता है, या फिर आप गूगल से या यूट्यूब से कहीं से भी देख के लाओ, वो पूरा बना के दे दूंगा। अब आप देख लीजिए ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा और अच्छा फील देता है। प्लस 15 डेज बाद भी ना ऐसा लग रहा है जैसे अभी जस्ट अभी लगे हैं, ये प्रॉपर तरीके से पूरा लगा है। बीच में आप देख पा रहे हो एक आमरिस लगा है इसमें, जो पूरा पूरा यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा हैंड रेस को पूरा कवर छोड़ रहा है इसको अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड लगा है एम ऑडियो का 9 इंच वाला। एक बार इसकी फिटिंग फिनिशिंग भी आपको मैं पूरी दिखा देता हूँ हर तरीके से। यहाँ से भी आप देख लो प्रॉपर तरीके से, कहीं से भी लैक नहीं कर रहा, मैं हिला के भी दिखा देता हूँ प्रॉपर। अगर मैं आपको लेके चलूँ थोड़ा सा, पहले तो पीछे का रिस्पॉन्स दिखाता हूँ कि पीछे की सीट कवर के क्या रिस्पॉन्स आए हैं। ये देखिए, ये पीछे के सीट कवर का रिस्पॉन्स है। यहाँ पे देखो पूरा फिनिशिंग। कई बार ये होता है कि आगे के सीट कवर तो लोगों के बहुत बढ़िया होते हैं, पर पीछे का सीट कवर का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता। पर मैं आपको पूरा पीछे के सीट कवर का रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्रॉपर तरीके से पूरा सीट कवर लगाया है इसमें, कहीं से भी लैग नहीं कर रहा सीट कवर, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मतलब 15 दिन पहले लगाया है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी सीट कवर लग रहे हैं। तो प्रॉपर पूरा फिनिशिंग के साथ सारा काम हुआ है इसमें। इसके बाद मैं इसमें अंदर की तरफ एक आगे की तरफ ट्विटर लगे हैं, JBL के ट्विटर लगे हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी अच्छी आ जाती है। इसमें कंपनी हरमन के आपको स्पीकर देती है पर ट्विटर नहीं देती, तो आगे की तरफ इसमें ट्विटर लगे हैं। इसके बाद अभी देखो ये फॉग लाइट का यहाँ पे रखा हुआ है क्रोम, ये भी लग रहा है। इसके बाद जो इसकी रूफ रेल है, वो रूफ रेल लगी है, मैं एक बार आपको हिला के दिखा देता हूँ। पूरी गाड़ी शेक हो रही है, पर ये कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं नहीं जाने वाला। अब ये जो है, ये जैसे कंपनी क्रिएटिव में देती है, पूरा का पूरा वही रूफ रेल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये देखो प्रॉपर तरीके से पूरा आपको यहाँ पे रूफ रेल आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद पीछे भैया ये जो फिटिंग कर रहे हैं हमारे भैया, ये पूरा का अभी देखो 15 2 लेयर इसकी होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों लेयर पे भैया पूरा काम कर रहे हैं। तो अभी लगा रहे हैं भैया सारे नट बोल्ट वगैरह, टाइट कर रहे हैं, एक बार टाइट कर देते हैं। इसके बाद इसकी फिनिशिंग फिटिंग पूरा दिखाता हूँ किस तरीके से टाइट हुआ है। तो जितना एडवेंचर में काम होना चाहिए था, वो सारा काम, बेसिक काम जितना होता है, वो सारा काम आपको मैंने इसमें दिखाया है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आज के जो हमारे कस्टमर थे, जो हमारे कस्टमर आए थे, कहाँ से आए थे, वो कैसे हमारे बारे में पता चला था, उनसे मिलते हैं, और कैसा उनको काम लगा, कैसी हमारी प्राइसिंग लगी, वो सब चीज़ें जानते हैं, और क्या वो रिकमेंड करते हैं आपको नहीं करते। सबसे पहले एंड्रॉयड जो इसमें स्पीकर लगे हैं एंड्रॉयड, उसका थोड़ा रिस्पॉन्स चेक कराता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं आपको आज के कस्टमर का रिव्यू। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो रह गया था थोड़ा सा। यहाँ पे स्टीयरिंग रैप हुआ है बिल्कुल OEM टाइप में। ये देखो जैसे सीट कवर का कलर और डिज़ाइन है, वैसे सेम टू सेम इसमें सीट कवर लगे हैं। और सीट कवर की मैं बात करूँ तो रेड, ये देखो रेड एंड ब्लैक में पूरा का पूरा इसमें, देखो सिलाई की भी फिनिशिंग आप देखो, प्रॉपर तरीके से पूरी सिलाई की फिनिशिंग इसमें आई हुई है। ये देखिए
यहाँ पे भैया ने देखो ऐसे पता चल रहा है आज का काम नहीं है। यहाँ पे भैया ने अभी मंदिर वगैरह पूजा वगैरह करा के दोबारा ये बांध दिया है। तो ये हम धार्मिक मतलब ये हिंदुस्तानी हैं जो हर चीज को फॉलो करते हैं और अपने से बड़ा अपना धर्म को रखते हैं, चाहे कोई से भी धर्म से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊं, ये स्टीयरिंग कंट्रोल जो ऑप्शन होता है ना वो बहुत बढ़िया है दोनों तरफ वाला, और प्लस कोई सा भी आपका मॉडल होता है, मैं ऑन वीडियो कह रहा हूँ कि क्रूज कंट्रोल भी ऑन करके दूंगा कुछ ही दिनों में, बहुत जल्दी। जो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी ऑन करके दूंगा। प्लस मैं अगर बात करूँ तो इसमें हॉर्न भी लगे थे, क्रेटा वाले जो हॉर्न होता है, आवाज़ आप सुन पा रहे हो, हॉर्न भी चेंज हुए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका रिस्पॉन्स चेक कराता हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स है, उसके बाद चलेंगे आज के जो हमारे प्राउड ओनर गाड़ी के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लास्ट भी, स्टीयरिंग कमाल का लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा आपने बाहर से कराया है, प्रोफेशनल बंदा। और पूरी स्टिचिंग आप देखोगे ना, ये देखो एक्यूरेट पूरी स्टिचिंग इसमें डाली गई है, लगाई गई है, और ये स्पेशली हाथ से पूरी सिलाई होती है, OEM टाइप पूरी इसको सिलाई बोलते हैं प्रॉपर तरीके से। और स्टिचिंग का फायदा आपको ये होता है कि कभी भी आपको पसीना नहीं आता, आप लॉन्ग ड्राइव पे कभी चल रहे हो पसीना नहीं आता, हाथ स्लिप नहीं होता, अच्छा फील, अच्छा लुक आता है, और अपनी पंच तो है ही भाई इतनी बढ़िया, तो इसमें ये लगाने का ना मजा ही अलग है रियली में। इसके बाद थोड़ा सा इसका जो आज एंड्रॉइड सिस्टम लगा हुआ है हमारा, ये एक बार इसका रिस्पॉन्स चेक कराता हूँ आफ्टर 20 डेज बाद इसका रिस्पॉन्स चेक करा रहा हूँ भैया का। ये देखो ये भैया का फोन है, ये भैया का फोन इसमें कनेक्ट है और सारी चीजें आप इसमें देख पा रहे हो प्रॉपर, मतलब आफ्टर रिस्पॉन्स आपको चेक करा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ना कैनवस लगा है, आप जानते हो कैनवस का एडवेंचर मॉडल है जिसमें कंपनी ने ये पूरा दिया हुआ है, तो इसमें जो छोटा वाला स्क्रीन आती है वो स्क्रीन निकलती है और फिर ये लगता है। अब इससे क्या होता है, जब ये जो डोर, ये देखो डोर ओपन हुए, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा खुल गया, डोर ओपन का ये आ गया, जैसे इस यहाँ पे आ रहा है, ये देख रहे हो जैसे यहाँ पे आ रहा है सेम अगेन वैसे यहाँ पे आ गया, ये वाले डोर ओपन हुए यहाँ पे आ गया, मैं ये वाले डोर ओपन करता हूँ, ये देखो भाई ये देखो यहाँ आ गया, तो ये आपको पूरा रिस्पॉन्स आपको ये वाला चीज ये फील देता है। इसके बाद यहाँ से देखो स्टीयरिंग में अप कर रहा हूँ, अप डाउन कर रहा हूँ, डाउन आ गया, तो ये इसके बाद फिर अगेन ये यहाँ से देखो, यहाँ से भी अप किया, अप हो गया, डाउन किया मैंने, डाउन हो गया। इसके बाद मैंने ये देखो मैंने ये ओपन किया, मैंने यहाँ होम ओन पे मैं वापस आ गया होम, इसमें अपने आप यहाँ ये सारे बटन वो प्लस डोर का पूरा सेंसर, यहाँ का पूरा ये स्टीयरिंग कंट्रोल, ये सब कुछ इसमें चलता है, इसमें एक कैनवस लगता है उसके द्वारा, ठीक है। इसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि इसका जो कंपनी से जो स्पीकर मिलते हैं हरमन के, वो भी अपने पास अवेलेबल है, अगर कोई बोलता है मुझे कि हरमन के ओरिजिनल लगाने हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है। बाकी भाई म्यूजिक सिस्टम में तो अल्टीमेट लेवल का काम करती है ऑटोनिक आपके लिए, तो एक बार दिखा देता हूँ कि इसका जो सॉन्ग का क्वालिटी है है कि कंपनी वाले जो कंपनी देती है उसका कितना अच्छा मिलता है आपको, वो भी दिखा देता हूँ एक बार। और अगर किसी भाई को वो चाहिए होंगे ना, तो भाई मेरे पास वो भी पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलाते हैं एक एनसीएस सॉन्ग और दिखाते हैं आपको उसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो भाई ये देखा आपने पूरा का पूरा रिस्पॉन्स, किस तरीके से रिस्पॉन्स है। अगर किसी को ये अच्छा लगता है ना, देखो उस लेवल पे तो इतना अच्छा नहीं है ये, पर फिर भी किसी को अगर भाई ये अच्छा लगता है, नॉर्मल बेस मॉडल में लगवाना चाहते हो तो भाई ये भी लगवा सकते हो, आपको ऑप्शन मिलता है। देखो आप लोगों के फोन आते हैं ना, एक भी फोन मिस नहीं होता, 100% आपके फोन उठाए जाते हैं भाई। ये तो हमारी शॉप का ही पूरा रिस्पॉन्स आपको मैंने चेक कराया सारा का सारा, कि किस तरीके से सारा रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसके बाद काफी अच्छा काम करता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मतलब कम रेंज में एक अच्छी चीज आपको मिल जाती है, चीप एंड बेस्ट है कह सकते हो, हम इंडियन है और इंडियन आपको पता है चीप एंड बेस्ट होता है। यहाँ से आप देखोगे स्टेटिंग्स का पूरा कंट्रोल होगा, यहाँ से पूरा हर चीज आपको वॉल्यूम वगैरह हर चीज आपको इसमें मिल जाता है, एक टू जेड प्लस कुछ फीचर है जो आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, थोड़ा सा बढ़िया काम करते हैं वो भी। तो ये सारी पूरी गाड़ी आपको
मैंने आपको दिखाई है टाटा पंच एडवेंचर मॉडल को किस तरीके से आप तैयार करा सकते हैं। अब चलते हैं, छोटा सा एक रिव्यू लेंगे क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़ी वीडियो हर कोई नहीं देख पाता। छोटा सा एक कस्टमर का रिव्यू लेंगे, उससे पहले दिखा दूं, देखो एक पंच में तो मैं यहां बैठा हूं, एक पंच देखो ये खड़ी, और एक बेस मॉडल वो देखो वो पीछे लगी हुई है वहां पे, वो देखो वो बेस मॉडल इस गाड़ी के पीछे। तो ये भाई आज ऑटो यूनिक आपके लिए कर रहा है, जितना प्यार आप लोगों से मिल पा रहा है, हर चीज आप लोगों से इतना प्यार, इतना रिगार्ड, इतना सम्मान मिल पा रहा है ऑटो यूनिक, रियली मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है इसके लिए। अब चलते हैं आज के हमारे प्राउड ओनर के पास कि किस तरीके ने भी हमें काम कराया सारा और कैसा रिस्पॉन्स हमारे। आ गए हम आज के हमारे फिर से प्राउड ओनर के पास, तो जानते हैं भैया से पहले तो क्या नाम है भैया आपका? मथुरा से भैया, और मथुरा वाले तो भाई होते ही अपने आप में अल्टीमेट लोग। भैया आपका क्या नाम है? भैया के साथ आए हैं भैया आदित्य है भैया का नाम। भैया पहले तो सही कैसे पता लगा था आपको ऑटो यूनिक के बारे में? ये आपके यूट्यूब पे ही आपके चैनल है, उसी से वीडियो वगैरह देखे, वीडियो देखी थी आपने, उसी से पता लगा, वही सारी चीजें देखी जी, तो काम बड़ा अच्छा लगा था, तो उस पर मैंने करा लिया, एक बार काम करा के देखते हैं। अच्छा, अभी काम कराया, काम तो बहुत अच्छा रहा, काम में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जब आए थे 13 फरवरी को, पहले आप कुछ कह रहे हैं, आप कह लीजिए भैया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ काम बंदे को कराना चाहिए ऐसी जगह जहाँ परफेक्शन हो। छोटी सिटी में काम कराने से ये है कि दिक्कतें आती रहती है, तो यहाँ काम कराया, परफेक्शन से काम हुआ, सारी चीज़ें अच्छी हुई। एक छोटी सी दिक्कत एक आ रही थी, तो वो भैया के पास मैं दोबारा आया, इन्होंने आते ही चीज़ें रिमूव करी, तो अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, और मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग यहीं से काम कराएं, काम में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भी एक चीज और जानूंगा भैया कि मथुरा से यहाँ पे आप आए थे, मेरे को याद है 13 फरवरी के दिन आए थे जी। आप उस दिन स्पेशली काम कराने के लिए आए थे, आपने मुझे बताया था स्पेशली कितने किलोमीटर पड़ता है भैया मथुरा से? ये अप्रोक्स पड़ेगा 200 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर आना फिर 200 जाना, 400 किलोमीटर सिर्फ एक गाड़ी को मॉडिफाई कराने के जी। कितना पेट्रोल लग जाएगा लगभग, कितना खर्चा आया पेट्रोल का? करीब खर्चा आ जाएगा 4,000-4,500 का मिनिमम, देख लो भाई। और आज तो भैया को यहाँ पे थोड़ा सा काम था इसलिए आ गए भैया, तो थोड़ा बहुत काम और रह गया था वो भी करा लिया, एक माइनर सी थोड़ी बहुत मिस्टेक थी वो भी भैया ने करा लिया, ऐसे टेपिंग वगैरह हल्की फुल्की खड़े सी वो लगा दिया भैया ने। बाकी भैया एक चीज़ और पूछूंगा, इतना बिलीव कि 4,500 रुपये सिर्फ पेट्रोल में लगा के काम कराने आना, 400 किलोमीटर ट्रैवल करके कैसे हो गया ऑटो यूनिक? नहीं, ये था कि आपकी वीडियो इतने देखे यूट्यूब पे और चीज़ें बहुत अच्छी लगी, कोई दिक्कतें आ नहीं रही थी, और सबसे बड़ा जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हैं टाटा पंच की, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ हैं जी, मोस्टली चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसी के लिए ये है कि काम कराना है तो फिर सही जगह पर कराओ, वो अगर एक साल बाद फिर दिक्कतें आना शुरू हो गई तो उससे क्या है। बिल्कुल, देखिए मैं अगर आपको बोलूँ ना कि आप अगर प्लेन में जा रहे हो और मैं कहूँ हमारा आज का जो प्लेन है वो अमिताभ बच्चन जी उड़ा रहे हैं, तो आप लोगों की ना दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, भाई अमिताभ बच्चन जी ने कभी प्लेन उड़ाया जो आज उड़ा रहे हैं? वो तो एक्सीडेंट ही कराएंगे प्लेन का, प्लेन को क्लैश ही कराएंगे। जो चीज़, मेरा कहने का मतलब समझिएगा, जो चीज़ जो कर रहा है ना प्रोफेशनल तरीके से, अगर वो करता है वो चीज़ तो 100% सक्सेस मिलती है उसको। और अगर हम पंच को 18 अक्टूबर को पंच आई थी और 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर को पहली हमारी वीडियो मॉडिफाई करके डल चुकी थी यूट्यूब पे, आप चाहते चेक भी कर सकते हैं, एक बार देख भी सकते हैं आप। और उसके बाद रेगुलर लगभग 200 से ज़्यादा, लगभग 225 के आसपास पंच हमने ऑलरेडी कर दिए, तो पंच का तो ऐसा समझ लो कि आंख बंद करके भी काम करेंगे फिर भी बेस्ट होगा ही होगा, ये मैं अपना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कह रहा, पर बेस्ट होगा होगा ये सिर्फ मैं आपको तब कह रहा हूँ जब इतनी गाड़ियाँ की है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स अपने आप नहीं कह रहा कस्टमर से हमें मिला है, आपके सामने है सर। एक चीज़ और जानूंगा सर, लगभग 20 दिन बाद आए हैं आप, आपने जैसे बताया एक हल्की सी टेप उखड़ रही थी, वो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, उसके अलावा और कोई ऐसा डिफरेंस, कोई ऐसी नुकसान, कोई ऐसा गलती हमारी या कुछ ऐसा जो आपको लगा जो भाई हाँ इन्होंने गलत किया या कुछ ऐसा? हाँ, हमारा तरफ से नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, सारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग है, प्रॉपर सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं आज तो अच्छा कर रहे हैं काम, पता नहीं कल जाके कैसा हो, कल आफ्टर 20 दिन बाद आए हैं सर हमारे पास, कोई एक दो दिन बाद भी नहीं कि आज आए कल आ गए, 20 दिन यूज किए रेगुलर गाड़ी, उसके टाइम से लगभग रोज चला रहे हो गाड़ी, डेली चला रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपके सामने है। और भैया एक चीज और जानूंगा सर, कितना प्राइसिंग कितनी पे की थी आप? प्राइसिंग मैंने अप्रोक्सीमेटली 40,000 पे किया है, 40,000, और मेरी गाड़ी एकदम ओके है, मेरे ख्याल से जो जरूरत की चीजें हैं सारी हो गई, 40,000 रुपए भी मैंने उस दिन पे किया था, एडवेंचर मॉडल में जितनी नीडी चीजें थी वो सारी चीजें लगी है, A to Z में पावर विंडो सेंटर लॉक आता है, और लगभग 6,000 रुपए के आसपास आज भी मैंने खर्च किया है, तो जितना काम रह गया था उस दिन वो सारा काम आज हो गया, तो आप 45,000 से 50,000 रुपए के बीच में सोच सकते हैं एडवेंचर मॉडल के लिए। और मैं कहूंगा इतने में ही ना बेस मॉडल में भी काम कर देंगे भाई, देख लो
50,000 लेके आइए, मेरे ख्याल से गाड़ी एकदम टॉप मॉडल, टॉप मॉडल बना देंगे और अच्छे लेवल तक, ये नहीं कि छोटे मोटे लेवल तक, अच्छे लेवल तक। पर अगर आपको थोड़ा और अच्छा बहुत मतलब बड़े लेवल तक जाना है तो उसको 70,000-75,000-80,000 रुपए तक आपको खर्च करना पड़ेगा। जैसे अभी बेस मॉडल में काम हो रहा है, इस बेस मॉडल में लगभग 75,000 रुपए के आसपास का टोटल खर्चा आया है। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो भी देखने को मिलेगा। अच्छा एक चीज और जानूंगा सर कि उस दिन जब आपने काम देखा था, सारा काम आपकी आंखों के सामने हुआ था, ऐसा तो नहीं कहीं और आपको बिठा दिया हो, ऐसा कुछ बिल्कुल बहुत अच्छे से काम हुआ। अगर कोई दिक्कत भी थी तो हम बोलते थे तुरंत, वो चीजें फॉलो हो रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया। बाकी आज जब आप आए तो आज रिस्पॉन्स अच्छा था हमारा, और ट्रेनिंग का पूरा रिस्पॉन्स अच्छा, नहीं बढ़िया, कोई ऐसा नहीं था कि भैया ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। ये मैं आपको ऑन देखिए, ये भैया आए जरूर मथुरा से है पर भैया से दिल ऐसा मिल गया है ना, ऑन वीडियो सारी चीजें क्लियर बता रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ ऑटो नहीं आपसे पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा, आपको एक सर्विस देने के लिए, एक वैल्यू फॉर मनी चीजें देने के लिए बैठा है। अगर कोई चीज आप पे कर रहे हैं ना तो उसकी वैल्यू क्या आपको मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, वो समझते हैं हम, और वही चीज आपको मिलती है उससे एक प्लस मिलती है, उतनी है उससे माइनस हम नहीं सोचते कि आपको मिले, ठीक है। बाकी आगे आपको लेके चलो कि ऑटो यूनिक स्पेशलिस्ट टाटा पंच में स्टार्टिंग से स्पेशलिस्ट था, है और रहेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि जब गाड़ी पहले आ गई थी ना, स्टार्टिंग में आ गई थी, उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया था काम करना, और जब भी से एसेसरी आई जा रही है, जितनी नई एसेसरी आ रही है और इसमें लग रही है। अभी पंच में इसमें बहुत सारा काम जो नहीं है वो उसमें हुआ है एडिशनल, तो बहुत सारी एसेसरी और मैक्सिमम नहीं आ गई है जो आपको मैक्सिमम टाइम जगह नहीं मिलेगी देखने को। एक चीज और पूछूंगा सर कि कोई अगर आपकी ये वीडियो देख के आना चाहता है तो रिकमेंड कर सकते हैं आने के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, और मैं तो 10 out of 10 दूंगा। बहुत बहुत मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल आइए काम कराइए भैया। आप बाकी आप कह रहे थे दूसरी गाड़ी भी लेके आएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं एक बड़े भाई साहब इनके, उनकी गाड़ी भी आने वाली है अभी, वो भी भैया लेके आएंगे। तो मेरे लिए ना मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी कमाई वही है एक गाड़ी से भाई, मेरा सिंपल सा हिसाब है, सिंपल सा, एक बंदे से 100 रुपए नहीं कमाऊंगा ना, 100 लोगों से 1-1 रुपए कमा लूंगा, सेम हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, पर वही सेम चीज हो जाएगी। तो ऑटोनिक आज इस बेस पे काम कर रहा है, आज नाम बहुत बड़ा नहीं है बोलूंगा, पर अपना काम इतना बड़ा करके चल रहे हैं ना कि नाम ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो ऑटोनिक पे एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करिए, कोई सी भी गाड़ी है, स्पेशली टाटा पंच XUV700, आपका भी न्यू बलून आई है उसमें हमने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, किसी भी चैनल पे देख रहे हैं आप एक बार ऑटोनिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियो आपको मैक्सिमम टाइम पे देखने को आपको मिल जाएगी, और कुछ चीजें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लाइक करना एक बार, शेयर करना मैक्सिमम लोगों तक, जिससे हम अपना हौसला और आगे बढ़ा के आपको और चीजें डिलीवर कर सके, और सब्सक्राइब जरूर करना।